आईपीएल 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिसंबर में कोलकाता में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। सभी टीमों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदा था। उसके कुछ समय बाद घोषणा हुई कि टूर्नामेंट की शुरुआत 29 मार्च से होगी। वहीं मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से ही शुरू होंगे। इसके साथ ही टूर्नामेंट से पहले ऑल स्टार मैच भी खेला जाएगा। आईपीएल 2020 के शुरू होने की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी ये घोषणा कर चुके हैं कि टूर्नामेंट की शुरुआत 29 मार्च से होगी। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीसीसीआई इसमें बदलाव कर सकती है। ये माना जा रहा है कि इंटरनेशनल मैच होने की वजह से शुरुआत की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। मार्च के अंत में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच मैच होते रहेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी होना था, लेकिन ये नहीं हुआ। पिछले साल विश्व कप की वजह से आईपीएल की शुरुआत 23 मार्च से ही हो गई थी। इस बार आईपीएल देरी से शुरू होगा, इसकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। भारतीय टीम 18 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेलेगी। उसके बाद से खिलाड़ी आईपीएल की तैयारियों में लग जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 24 मई को इसका फाइनल मुकाबला हो सकता है। अभी तक इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर शुरुआत की तारीख आगे बढ़ती है तो फाइनल भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आईपीएल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए।